हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही मजे से होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका द दुबे नमिता ब्लॉग चैनल में। तो अभी सुबह के करीब बज चुके हैं, 7:30 हो चुके हैं। अभी मैं घर से नहीं निकल पाई, 10 मिनट मैं लेट हो गई हूँ। तो चलिए आप लोग चलिए, आप एक मैं नई जगह आप लोगों को लेकर चल रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी रेडी, क्योंकि सुबह भी यहाँ भी थोड़ी बहुत तो ठंडी हर जगह इस बार पड़ रही है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई हुई इसी कारण हर जगह ठंडी पड़ रही है। तो हमारे यहाँ भी ठंडी पड़ रही है। सुबह 7:30 बज गया और मुझे थोड़ा लेट भी हो गया उठने में, नहीं तो 6 बजे ही 6 o'clock सुबह मॉर्निंग में निकलने वाले थे, तो नहीं निकल पाए, लेट हो गए क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाने वाले थे। तो चलिए आप लोग हमारे साथ विजिट करिए एक नए प्लेस में, नई जगह। तो आप लोग भी इंजॉय करिए और हम भी इंजॉय करते हैं। तो आप लोगों का रहना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है। देखिए इस बैग में हो गया है सामान पैक। इसमें हमने ले लिया कपड़े और भी जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती है, कंघी ले लिया, क्रीम ले लिया, जो भी चीज़ें हैं, वाटर बोतल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। खाने का भी सामान, थोड़ा चिप्स कुरकुरे पैकेट जो भी रहता है उसको भी हमने ले लिया है। तो और देखिए मोबाइल भी, मोबाइल का चार्जर ले लिया, मोबाइल रात में ही चार्ज करके रख लिया था। और देखिए मैंने ऊपर से ठंडी लग रही है, स्वेटर नहीं पहना है, जींस की जैकेट पहना है और गले में तो पहना है। अभी मैं जा रही हूँ कान का निकालने के लिए, कान का भी मैं निकाल दूँगी क्योंकि पानी में जाऊँगी, तो पानी में जाने से क्या रहता है ना, कहीं ऐसा ना हो जाने के बाद भारी पड़ जाए, सोना मेरा गुम हो जाए, तो इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ यार, लेने के देने ना पड़ जाए। ये बात, नाश्ता क्या बनाया है हमारे व्यूअर्स को बताइए। हमने नाश्ता क्या बनाया है, हमने आज पनीर की सब्जी और रोटी बनाई। तो चलिए फिर आपको देखिए, मिस्टर मेरे बोले चलिए फिर व्यूअर्स को दिखाइए नाश्ता क्या बनाए। चलिए फिर थोड़े सा आपको किचन में विजिट करा देती हूँ, क्योंकि आज मैंने कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि सुबह बहुत ज्यादा जल्दी थी। आप झूठ बोल रहे हो, पब्लिक को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, व्यूअर्स को लगेगा झूठ। देवी मेरे पति है ऐसे मुझे बोलते हैं, मैं क्या करूँ बताइए आप लोग व्यूअर्स। गाइस ये यहाँ पर रखी हुई है पनीर की सब्जी और ये है चपाती, ठीक है। ये मैंने चपाती बना दिया यहाँ पर पनीर की सब्जी, तो नहीं देसी घी के पराठे नहीं, इसको बोलते हैं चपाती ही बोलते हैं इसको। और ये रखा हुआ है पाव, क्योंकि बिटिया स्कूल से आएगी तो गर्म करके अपना खा लेगी, देसी घी बटर चीज़ वगैरह जो भी लगा के खाना होगा। और आप लोग देख रहे होंगे ये मैंने राउंड में गोला गोला सर्कल में क्या कर दिया है, क्योंकि अरे यार चले जाएंगे बच्चे रहेंगे तो ऐसा ना हो चींटी आ जाए, कोई भी चीज़ें आ जाएं, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ी सी लक्ष्मण रेखा मार दिया है कि कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस अभी हमने यहाँ कान का भी ये देखिए अभी चेंज कर लिया है, दूसरा पहन लिया, क्योंकि पानी में ऐसा ना हो कि गिर जाए और लेने के देने पड़े। तो गाइस चलिए हमारे साथ आप लोग कुछ करिए, हम भी चलते और आप भी चलिए। एटीएम, अभी एटीएम से निकालती हूँ पैसा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। अभी मैं आ पहुँची हूँ, अलीबाग आ गई हूँ, ठीक है। तो अलीबाग ये जस्ट मेरे पीछे है समुंदर, तो चलिए समुंदर में नहाते हैं और बोटिंग करते हैं और जो भी रहेगा फिर चलिए आप लोग भी यहाँ पर शामिल हो जाइए। और काफ़ी धूप भी है, धूप बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। और ये यहाँ से नज़ारा देखिए, समुंदर का नज़ारा देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। चलिए भी देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, अभी मैंने घूम लिया है, गाड़ी अभी लाया हूँ। जाना जाओ क्या, हाँ तो तुम जाओ टहल के आओ, चक्कर मार के उधर उधर
गाइस तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोगों ने अलीबाग के समुंदर में क्या क्या देखा, क्या क्या आप लोगों को अच्छा लगा। अभी मैं अलीबाग में आ गई हूँ। अभी देखिए मेरा पानी में होक चुका है, तो ये देखिए यहाँ सामने एक बोट इधर खड़ी है और एक मेरे पीछे जस्ट खड़ी है, ये ब्लैक वाली खड़ी है, और बोटिंग उधर चालू है। तो अभी हमने भी बोटिंग किया है, हम आपको भी दिखाते हैं, ठीक है, लेके चलते हैं। तो चलिए, पानी है, जमजम है। आप लोग भी एक बार ज़रूर अलीबाग का विजिट ज़रूर करिए, और आई होप आप लोग मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या क्या चीज़ आप लोगों ने देखा। हमने तो बहुत कुछ देख लिया और पानी से अच्छा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी तो लग रहा है पानी से कहीं जाए ही। अभी शाम को करीब बज चुके हैं, 5:30 हो चुके हैं, और सूर्य देखिए ढल चुके, सूर्य देवता भी ढल चुके हैं। इधर सामने ये देखिए सूर्य देवता भी नीचे ढल चुके हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पीछे। तो और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा है, और जिंदगी है जी, लेना चाहिए गाइस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अभी हम बाइक से यहाँ पर आए, उधर से स्टार्टिंग से जब मैं चली हूँ तो बाइक की वीडियो मैं जरूर आप लोग दिखा दूँगा। बाइक से चली हूँ तो यहाँ पर पानी कुछ नहीं था, पर बाइक से इधर आने के बाद लहरें इतनी ज़्यादा हो गई कि मेरे पीछे भी जस्ट कितना ज़्यादा पानी भर गया है। और अभी लग रहा है यार गाइस, मैं तैर के यहाँ से चली जाए, स्विमिंग करके मैं यहाँ से जाऊँगी। और इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड, फिर भी पानी और घूमने के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। सुबह से निकली हूँ घर से मैं, और देखिए अब भी सूरज ढलने वाला है। 3-4 घंटा हो गए पानी में, एक बार गीले हो चुके और सूख भी गया है मेरा। अभी तो गई ये सब पशु पक्षी अपने अपने घर को जा रहे हैं। जहाँ सूर्य अस्त हो रहा, सामने किला दिख रहा है, फोर्ट दिख रहा है। तो कैसे यहाँ पर जो फोर्ट किला दिख रहा है, ये कुलाबा का है। किला है ये, शिवाजी ने बनाया था ताकि यहाँ पर कोई अंग्रेज लोग अटैक ना कर पाए, इसलिए ये किला बनाया गया। चल चल आज आज आराम से हंसो मत। वीडियो गाइस ये अलीबाग का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, और ये रात है, रात के टाइम पे ठेले वाले ने यहीं पर नारियल बेचने के लिए लगाया है। अलीबाग का मेडिकल कॉलेज होम्योपैथिक। और हमने समुंदर में नहा भी लिया है, और हमने ड्रेस भी चेंज कर लिया, मेरे टॉप कैसे लग रहे, मेरी जीन्स कैसी लग रही, और मैं अभी पी रही हूँ नारियल पानी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी थकी लग रही, चाय तो 2-3 बार पी लिया और दोपहर का खाना भी खा लिया था, तो काफ़ी थक गया था। हमने कहा चलिए नारियल पानी पी लेते, क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो गया है ना, तो ये हुआ कि चलो चाय की जगह नारियल पानी पी लें। तो आज हमने कहा नारियल पानी पीते, तो ये देखिए अभी नारियल पानी, ये आइए गाइस आप लोग भी नारियल पानी पीजिए, ये मलाई वाला नारियल पी रहे हैं हम। तो सुबह जब हमने कहा, जब मैं घर से आज निकली थी, मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था मैं समुंदर में आऊँगी तो लिपस्टिक लगाने कोई मतलब नहीं था, फटाफट मैं भाग कर आ गई थी। तो अभी ये देखिए यहाँ पर ये नारियल है, Oh.
पानी सड़क के गली में। ये नारियल है जो हमने नारियल अभी पिया था ना गाइस, उसी में का अंदर का नारियल का ये निकला है, क्या बोलते इसको, गरी गरी। हाँ तो नारियल पानी पी लिया और उसके अंदर कितनी कौली कौली गरी निकली, कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट, और खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। हमारे नारियल का अलग, मिश्रित नारियल का अलग निकली, ये भी खा रहे हैं। ये क्या हो गया, आम के आम गुठलियों के दाम। पानी पी लिए, ताकत भी आकर नारियल मिल गया, और खाने का भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जा रहे हैं घर जा रहे हैं, बाहर कभी कितना खाएंगे नुकसान करेगा ना, तो चलते घर में शुद्ध पानी भी मिल गया। तब भी मैं पनीर की बना के आई हूँ आज, अब मैं बना के जाकर चावल बना लूँगी और खा लूँगी। अभी आज मैं रोटी पराठा कुछ नहीं बनाऊँगी, ठीक है गाइस। आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ का है, ये गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ का है। सामने जो बोर्ड दिख रहा है इसको आप लोग देख।